हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होगा, हम भी ठीक है। तो दोस्तों, आज है 13 फरवरी। तो आज जो है हमारे यहाँ पर आश्रम पर जो राम जी का मंदिर है उसका पाठोत्सव है, तो काफ़ी लोग आने वाले हैं, 300 साढ़े 300 लोग आने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में ऐसा है दोस्तों कि अभी सुबह 8:30 बजे ध्वजा बदली जाएगी, फिर 9 बजे संध्या का स्टार्ट होगा 11 बजे तक, फिर जो महाभोग है और बाद में सभी लोग चले जाएंगे। तो चले फिर इस वीडियो को जो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो भी होगा सब आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। सभी लोग आने वाले हैं तो कौन कौन आएगा वो भी दिखाएंगे। तो चले फिर इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वेदु जो है नीचे सोई हुई है, तो उसके पास चलते हैं, थोड़ी देर बाद हम जाएंगे आगे। ओ, यहाँ पर जो है सुंदरकांड की तैयारी हो रही है, स्टेज हो गया है लेकिन अभी जो है सभी गद्दे बिछाने बाकी हैं। तो प्रकाश काका और जो प्रवीण हुआ है इसीलिए आ रहे हैं, तो चलिए जाकर हम भी मदद करवाते हैं। विचार प्रवीण फुआ और पिताजी भी आ गए हैं साथ में, तो चलिए फटाफट से गद्दे बिछा देते हैं, मिलते बाद में आपसे। ये दोनों जो कुर्सी का पूरा बंच लेकर यहाँ पीछे आ रहे हैं। ये जो पेड़ दिख रहा है वो मौसम्बी का पेड़ है और यहाँ पर कांटे दोनों को लगने वाले हैं। आई, 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 आई। हमारे फूफा जी है वो चाय बना रहे हैं, तो उनकी हाथ की जो चाय है वो बहुत कड़क और अच्छी बनती है और फूई उनकी मदद कर रही है चाय बनाने में। तो चाचा जी मंदिर में पहुंच गए हैं, चाची जी जा रही हैं। जो ध्वजा हम मंदिर पर चढ़ाएंगे तो उसकी पूजा होगी यहाँ पर मंदिर में, ध्वजा की पूजन के लिए तैयार हो रहे हैं सब। नारायणाय नमः स्वाहा। तो 5 प्रदक्षिणा होगी ध्वजा को माथे पर लेकर। मंदिर के ऊपर चढ़कर जो है वेचा ध्वजा मंदिर। महादेव की जय, महाराज की जय, की जय। अभी जो है हनुमान जी की ध्वजा बदलने जा रहे हैं, श्री राम जी की ध्वजा तो बदल गई है। ड्रोन वाल ड्रोन शॉट्स।
तो चलिए ड्रोन शॉट तो देख लिए, अभी जो हनुमान जी की ध्वजा बदलते हैं। ये काफ़ी ऊपर है यहाँ पर, तो आश्रम के एंटर में ही ये जो है पेड़ है, तो यहाँ पर ही लगा थे ताकि बाहर से भी दिख सके। वीरू जाएगा ध्वजा देने, है वीरू जाएगा ना ऊपर ध्वजा देने। सीताराम तो वीरू तो ऊपर नहीं गया, लेकिन ध्वजारोहण को हमने नीचे ले लिया है ताकि यहाँ पर हम शांति से बदल सके। चलिए हमारी ध्वजा लग गई है, तो अभी उसको उसके स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो ध्वजा बदलने का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो चुका है, तो अभी यहाँ पर जो है सुंदरकांड की तैयारी हो रही है। तो एक साइड पर यहाँ पर सुंदरकांड चल रहा है और यहाँ पर जो है खाने की तैयारी भी हो रही है साथ साथ में। सुंदरकांड का पाठ पूरा कर भी मंदिर में आए हैं आरती के लिए, तो थोड़ी देर में आरती स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सुंदरकांड और आरती भी पूरी हो गई है, तो अभी खाना स्टार्ट हो गया है, तो वहीं पर चलते हैं। तो सभी ने खाना खा लिया है, तो हमारे जो भांजे भाई हैं नील भाई राम भाई वो सबकी सेवा कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो 12:30 के आसपास सभी प्रोग्राम पूरे हो गए थे, 2-3 के आसपास सभी मेहमान भी जा चुके थे, फिर आश्रम से हम घर पर आ गए थे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते किसी ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सीताराम बाय।